जब हम सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो जो हमारा डीवीआर होता है उसके साथ में इंस्टॉलेड हार्ड डिस्क नहीं मिलता है। ये हार्ड डिस्क अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमको लगाना होता है। उसमें कितने मतलब टीवी का कितने टेराबाइट का हम लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू कैमरा कितना हमारा कैमरा है, जितना रिक्वायरमेंट हमारा है उसके हिसाब से हम उसमें हार्ड डिस्क अपने तरफ से लगाते हैं। उसके साथ में लगाया हुआ नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर दिखाएंगे और एकदम सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे अच्छे से कि कैसे हम अपने डीवीआर में हार्ड डिस्क को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे लगाते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स। एमआरजे मल्टी इलेक्ट्रिकल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हेलो गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा ये डीवीआर है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि डीवीआर में हार्ड डिस्क कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो ये एक विजन कंपनी का डीवीआर है, आप देख सकते हैं ये 8 पोर्ट का है, 8 चैनल का, ठीक है। और इसमें चलिए हम आपको बता रहे हैं कि ये 1 TB का, ये 1 TB का, 1 TB का हमारे पास एक हार्ड डिस्क है, ठीक है। और ये 2 कनेक्टर मिल जाते हैं इसके साथ में ही मिलते हैं, और ये 4 स्क्रू है, ठीक है। तो इसको हार्ड डिस्क को इस DVR में कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे लगाया जाता है, ये खाली ही आता है, इसके साथ में नहीं मिलता है। ये आपको हार्ड डिस्क अलग से लेना पड़ता है, ठीक है। तो अपने आप कैपेसिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं, जितना आपको चाहिए उतना कैपेसिटी का आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारे पास 1 TB का है, चलिए इसको ओपन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद से आपको दिखाते हैं लगा के। देखिए इस DVR को सबसे पहले खोलेंगे, तो खोलने के लिए ये 2 साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 2 स्क्रू था, ठीक है। 2 स्क्रू इस साइड और 2 स्क्रू इस साइड, ठीक है। तो स्क्रू को हम खोल लेंगे अच्छे से, ठीक है। और 2 स्क्रू पीछे के साइड में है, ठीक है। उसके बाद से अब इसके कवर को हम हटाते हैं, ठीक है। कवर को हटाने के लिए इसको पीछे की तरफ ऐसे पुश करना है, पीछे की तरफ ऐसे पुश करेंगे ये हट जाएगा, ठीक है। इसको साइड में रखते हैं, देख सकते हैं इस तरह का, इसका अंदर एक बड़ा सा कीट होता है, ठीक है। और ये हमारा जैक है, वो लगेगा, अभी लगा के दिखा रहे हैं आपको। और एक जैक यहाँ लगेगा, ठीक है। तो चलिए उसको लगाते हैं। तो हार्ड डिस्क को इसमें DVR में लगाने से पहले हम क्या करेंगे कि इसका स्क्रू जो होता है ये पीछे का इसका साइड है, ठीक है, हार्ड डिस्क का। यहाँ पे 4 स्क्रू आपको पहले कस लेना है, जो ये स्क्रू इसके साथ में ये मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से इस होल में इसको अंदर करना है, ठीक है, आप पीछे से टाइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। देखिए इसमें हम 4 नट आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फंसा लिया है, वो थोड़ा थोड़ा मैंने फंसाया है, ठीक है। और उसमें डालने के बाद से हम टाइट करेंगे, ठीक है। उसके पहले हम क्या करते हैं, ये 2 जैक हमको मिलता है वो लगा लेते हैं, ठीक है। तो ये रेड वाला जैक है, यहाँ पे पतले स्लॉट में ये लगेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और जो ये वाला चौड़ा वाला ये स्लॉट में ये है, ये जैक ये इधर इस बगल वाले में लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चौड़ा सा पट्टी दिया, ये चौड़ा सा इसमें लगेगा, ठीक है। तो इसको लगा देंगे इसमें, चलिए हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा जैक ये लग चुका है, ठीक है। और दूसरा लगाते हैं, तो इसको देख के लगाना होता है कि कैसे लगेगा उल्टा पलटा। इसमें वैसे खांचे बने होते हैं, खांचे को देख करके मैचिंग करके आप लगाएंगे आसानी से लग जाएगा, ठीक है। लग चुका है, अब इसको इसमें रखते हैं, उसके बाद से ये जैक लगाते हैं, फिर टाइट करते हैं, दिखाते हैं। देखिए हम हार्ड डिस्क को इस तरह से रख दिए हैं, ठीक है। उसका नोट जो हम फंसाए थे वो पीछे की तरफ रख दिए हैं, और पीछे हमसे हम देखते हैं कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। देखिए नोट को इस तरह से फंसा लेना है, उसके बाद से हम टाइट कर रहे हैं इसको, ठीक है। टाइट करके फिर जैक लगाते हैं, फिर दिखाते हैं। देखिए मैंने इसको टाइट कर लिया है हार्ड डिस्क को, अब जैक को लगाएंगे। तो उससे पहले आप देख लीजिए इधर, फिर देखिए जो ये मोटा मोटा चौड़ा चौड़ा होल दिया है, ठीक है, वहाँ से आपको स्क्रू मतलब अंदर लेना है, उसके बाद से इधर इस साइड खसकाना है आपको, ठीक है। उसके बाद इसमें फंस जाएगा, उसके बाद से आपको टाइट कर देना हार्ड डिस्क को अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद से ये 2 जैक जो आपका बच जाता है, तो 1 जैक आपका यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जैक लग गया, रेड वाला जैक यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये लग गया। अब फिर इसको अच्छे से हम टाइट कर देते हैं, ये कवर लगा देते हैं, ये हमारा रेडी हो गया,
रिकॉर्ड करने के लिए रेडी हो गया। देखिए इसको कसने के लिए हम इस तरह से इसका ऊपर का कवर रख देंगे, ठीक है, और उसके बाद से इसको आगे की तरफ स्लाइड करेंगे ऐसे, ठीक है, आगे की तरफ स्लाइड करेंगे, ये फंस जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बैठ गया, ठीक है। उसके बाद से जो जो नोट हम खोले थे वो कस देंगे, बस ये हो गया रेडी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि हम इसी तरह मोटिवेट हो करके ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।